पूछता है वो बाबा के पास। जब बाबा व्यक्त हुए, तीनों टाइम भोजन का भोग लगता था, एक दो मिनट का मैसेज भी आता था। एक बार हमारी दीदी है बड़ी कैलाश दीदी, उनको भोग लगाने भेजा। वो शुरू से ही ट्रांस में जाती है जब से वो छोटी है। बाबा के सामने आई है, बाबा ने सील दिखाया बटन में उनको कि वो थाली लेकर आई। बाबा ने एक डब्बी खोली, उसमें से सांप निकल के भागा। वो डर गई कि मैं तो भोजन लेकर आई थी, ये सांप कहां से आ गया डब्बी में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो मिस्टेक कहां हुई है, जाकर देखो। अब वो भागी हुई नीचे आई वापस और भंडारे में थाली लेकर गई। जो निमित्त आत्माएं थे उन्होंने सबको बुलाया कि आज बाबा ने ऐसा ऐसा कुछ दिखाया है हमको। सबने वो डब्बियां खोली एक एक करके, सब कुछ ठीक था। लास्ट में एक डब्बी खोली जिसमें पनीर की सब्जी थी या चावल था शायद, उसमें इतना लंबा बाल पड़ा था, उस बाल का सांप दिखा दिया। तो जब दोबारा भोग लेकर गई तो उसने पूछा, बाबा आपने तो बाल का इतना बड़ा सांप दिखा दिया। कहते बच्ची ये सूक्ष्म बटन है, यहाँ छोटी चीज भी क्या दिखाई देती है, बड़ी देती है। सूक्ष्म बटन छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। बाबा ने कहा बच्चे तुम किसको भोग लगाने आए हो, किस तरीके से लगाना चाहिए, तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये। कल तक तो प्रसाद चढ़ाकर अपने को अति सौभाग्यशाली समझते थे, अब सामने खिलाने का मौका मिला है। हमारे घर में यदि आर्थिक स्थिति अच्छी भी ना हो तो भी एक डाइनिंग टेबल होता है, एक घर के कोने में पड़ा होता है कि नहीं, एक डिनर सेट भी होगा। मैं भले जमीन पे खाऊंगी, भले मैं डाइनिंग यूज नहीं करती पर कोने में है रखा हुआ, टूटी फूटी स्टील की प्लेट में खाना खाऊंगी पर डिनर सेट भी है मेरे घर में, उन्हें मैं यूज नहीं करती। वो किस लिए है? मेहमानों के लिए। अगर नहीं भी है कोई स्पेशल मेहमान आ गए तो पड़ोसी से हाथ लाइए। मेहमानों की हम इतने अच्छे से खातरी करते हैं, उनके लिए डाइनिंग भी रखते हैं, उनके लिए डिनर सेट भी रखते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा बनाते भी हैं, परोसते भी ढंग से हैं। हमारे घर में खुद इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, तीनों लोगों का सबसे बड़ा मेहमान छत करके आया है, उसे हम कैसे भोग लगाते हैं। देदारियों के लिए महंगे महंगे डाइनिंग, महंगे महंगे डिनर सेट यदि हम ले सकते हैं तो भगवान को भोग लगाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उससे बड़ा वीआईपी कोई होगा क्या? होगा